रिलीजियस प्लेसेस पे लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाने के बाद फेमस सिंगर सोनू निगम पर फतवे और उनका सिर मुंडाने का मामला आगे बढ़ता ही जा रहा है। दो टीवी शोज में सोनू निगम पर फतवा रिलीज करने वाले मौलवी सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी और सिंगर अभिजीत के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। एक शो में अभिजीत ने कादरी की औकात पूछी और बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाया तो दूसरे में एंकर से कादरी को बाहर निकालने के लिए कह दिया। टाइम्स नाउ पर भी अभिजीत और कादरी के बीच में काफी बहस हुई। डिबेट में अभिजीत ने कादरी पर पर्सनल हमला करते हुए बंगाल में बैठकर बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाया। वहीं एक दूसरे टीवी चैनल में भी बहस इतनी ज्यादा हो गई कि अभिजीत ने शो के एंकर को कह डाला, कादरी को अभी निकालो। कादरी को बाहर ना निकालने पर वो खुद बाहर निकल गए। न्यूज चैनल के पैनल डिस्कशन में अभिजीत ने पहले तो कादरी को भला बुरा सुनाया और बाद में एंकर से उन्हें बाहर निकाल देने के लिए कहा। जब एंकर ने ऐसा नहीं किया तो वो खुद ही बाहर चले गए। हम आपको बता दें कि रिलीजियस प्लेसेस पर लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर सोनू निगम के ट्वीट को कादरी ने कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरेस्पेक्ट बताया था। कादरी ने कहा था कि सोनू निगम को जल्दी से जल्दी माफी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हुई है, नहीं तो सिर मुड़ाने पर 10 लाख रुपए का इनाम और जूते की माला पहनना और देश का दौरा करने की शर्तें माननी चाहिए। इसके बाद सोनू निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना सिर मुड़वा लिया था।